तमाशा है ये? ऐसे हमें घेर लेने का क्या मतलब है? पुलिस इंस्पेक्टर का रास्ता रोकोगे? एक एक को अंदर करवा दूंगा। चलो रास्ते से उड़ा हमारे, चलो। क्या हो रहा है ये? सुनाई नहीं दिया? पीछे हटो, हटो पीछे। अरे हट, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मारे बेटे को अपने साथ ले जाने आई है ना? मैं तू है कौन जो मेरे बेटे को ले जाएगी? हमारा बेटा आइए, हमारा कोई अधिकार ना है इस पे? अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है रतन सिंह। एक दूध मुहे बच्चे को अपनी माँ से अलग करने का, मनु को उसकी माँ के पास ले जाने आई हूँ। कैसे ले जा सकती है तू इसे? मनु का बापू हूँ मैं। और ये पद्मा हमारे छोरे की माँ है। कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वकील साहिबा भी जानती है कि सच्चाई क्या है। पता है ना कि ये औरत मनु की माँ नहीं है बल्कि गंगा है। वही गंगा जिससे उसका बच्चा छीन लिया है तुमने। यहां तक कि उसकी जान लेने की कोशिश भी की। पर अब तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। चेतसर से पुलिस आती होगी तुम्हें गिरफ्तार करने। जितने भी जुल्म किया ना तुमने गंगा पर, उन सब के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। यह इलाका मेरे अंडर में आता है, बाहर की पुलिस आके यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। अपने गांव के लोगों को तुम जैसे लोगों की गुंडागर्दी से बचाने का पूरा अधिकार है मुझे। फिर से कहता हूँ, निकलो निकलो सबके सब, वरना उम्र भर लॉकअप से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। कानून के रखवाले हैं, अन्याय का विरोध करने के बजाय इन जैसे लोगों को अपना धर्म और ईमान बेच दिया आपने। शर्म आनी चाहिए आपको, इस वर्दी का अपमान कर रहे हैं आप। अच्छा तो तुम मुझे मेरी ड्यूटी मेरा ईमान समझाओगी? अब
पद्मा बहन है मेरी, उसके और उसके परिवार की रक्षा करना फर्ज है मेरा। निभाइए अपना फर्ज, जरूर निभाइए, लेकिन मनु अब यहां नहीं रह सकता। मैं उसे उसकी मां के पास लेकर ही जाऊंगी और आप नहीं रोक सकते मुझे। ए लड़की, बहुत हो गया तेरा। चिल्लाइए मत। आपको मालूम नहीं, बच्चे पे पहला हक उसकी मां का होता है। चाहे जितनी कोशिशें कर लीजिए, मनु को अपनी मां के पास जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी नहीं। देखो, इसके पहले कि जलाद कुछ कर बैठे, इसको लेकर निकल जा। सुनो, मनु का ख्याल रखना। रुक जा छोरे। अरे बेटे को ले जावेगी ना, जान ले लूंगा थारे। आनंदी रुक जा। गोली मार दूंगा।